दोस्तों, अगर आप जियो सिम से फ्री फायर अगर आपका क्यू नहीं चलता है, अगर आप जियो सिम यूज़ करते हो और आप फ्री फायर जो है चलाते हो लेकिन आपका नहीं चलता है, तो आज के इस वीडियो में आप जो मैं सेटिंग दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, इस सेटिंग को एक बार अप्लाई कर लो और आपका फ्री फायर यूँ चलने लगेगा बल्कि रॉकेट की तरह दौड़ने लगेगा। दोस्तों कैसे आपको सेटिंग करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने फ्री फायर वाले ऑप्शन में जाना, जो अभी अपने फ्री फायर गेम होगा ना, फ्री फायर को क्लियर कैचे कर लें। जैसे एग्जांपल में आपको ये पबजी का मैं क्लियर कैचे आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टोरेज यूजर्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लियर कैचे कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आपको ये करना है। नेक्स्ट सेटिंग दोस्तों यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिम जो भी जियो सिम होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर थ्री डॉट पर। उसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा रीसेट एक्सेस पॉइंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपका फ्री फायर दोस्तों एकदम रॉकेट की तरह चलने लगा। और ना हो तो इस ट्रिक को अप्लाई करो, उसके बाद देखो नहीं चलता तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और दोस्तों चैनल अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।